Hello everyone, today we will discuss about the fifth chapter, the purple jar. मैंने फर्स्ट वीडियो में जो हमारे जो ये चैप्टर है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर दोनों सेंड कर दिए थे और मैंने दो वीडियो भी भेजे थे आपको, ठीक है, जिससे कि आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो अभी इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, रोजामंद ए लिटिल गर्ल ऑफ अबाउट 7 ईयर्स ओल्ड, यानी रोजामंद एक लड़की है इसमें, इस स्टोरी में, जिसकी एज लगभग 7 साल है। देखिए, ये जो लड़की है ये काफ़ी क्यूरियस माइंड की होती है, यानी काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। या अपनी मोम के साथ जब मार्केट में जाती है तो ये हर शॉप से कुछ ना कुछ सामान खरीदने की कोशिश करती है और इसकी जो मोम है वो उसे टालने की कोशिश करती हैं। तो इसमें आगे देखिए, वॉज वॉकिंग विद हर मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, यानी वो अपनी माँ के साथ घूम रही हैं लंदन की गलियों में। एज सी पास अलोंग सी लुक इन द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स एंड सी सा ए ग्रेट वैरायटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यानी जब वो गुजर रहे थे उन गलियों से तो सी लुक इन द विंडोज, यानी उन्होंने खिड़कियों से देखा, ऑफ सेवरल शॉप यानी बहुत सी दुकानों में, सी सा ए ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी उन्होंने बहुत सी चीज़ों के वैरायटी यानी क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएँ उन्होंने देखी, थिंग्स वस्तुएँ, ठीक है, ऑफ विच सी डिड नॉट नो द यूज, लेकिन जो लड़की है, ठीक है, उसका यूज नहीं जानती थी। अब देखिए, यहाँ पे एक बार रोजा बंदा है, दोबारा से सी का यूज हुआ, अब प्रोनाउंसिएशन यूज हो रहा है यहाँ पे। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये उसकी मम्मी के लिए या किस रोजा बंद के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सी डिड नॉट नो द यूज, यानी वो नहीं जानती थी, ठीक है, इसका यूज करना, और इवन द नेम्स, और ना ही उनके नाम जानती थी। सी विश टू स्टॉप टू लुक एट देम, और वो उसकी इच्छा थी वहाँ पे रुक के उनको जानने की। बट देयर वॉज ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट, लेकिन वहाँ जो गलियाँ थी उनमें बहुत सारे लोग थे। एंड अब देखिए, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अब यहाँ पे देखिए सोचने की बात है, ठीक है, कि ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अब कुछ लोग, अभी यहाँ पे ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आ गया, तो यहाँ पे एक इंसान नहीं है, ये बहुवचन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, इन द स्ट्रीट उसमें थे। एंड ए ग्रेट मैनी कार्ट्स एंड कैरीज एंड व्हील बैरोस, और वहाँ पे देखिए, जब आपने भी मार्केट में देखे होंगे कि वहाँ पे जो कार्ट्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, कैरीज यानी सामान ले जाने के लिए, एंड व्हील बैरोस और जो पहिए लगे हुए होते हैं जिनको लोग खींच के ले जाते हैं, ठीक है, जो मालवाहक होती हैं गाड़ियाँ छोटी, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई होती हैं। एंड सी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर हैंड, और वो डर रही थी कि कहीं उसी के जो मम्मी का हाथ है उससे छूट ना जाए। ओ मदर नाउ हैप्पी आई शुड बी, सैड सी एज सी पास ए टॉय शॉप, यानी जब वो उधर से गुजर रही थी एक टॉय शॉप से, तो अपनी माँ को कहती है, मम्मी मैं अभी बहुत खुश हूँ, इफ़ आई एड ऑल दिस प्रिटी थिंग्स, यदि मेरे पास ये सभी चीज़ें होती, वॉट ऑल, क्या सभी, डू यू विश फॉर देम ऑल रोजामंद, क्या तुम सभी के लिए इच्छा कर रही हो, यस मम्मा ऑल, हाँ सभी के लिए। एज सी स्पोक दे केम टू ए मिलीनियर शॉप वेयर द विंडोज वर हग विद रिबन्स एंड लेग्स ऑफ फेस्टोन्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर, और जब भी वो एक मिलीनियर्स की शॉप वहाँ पे आती है, ठीक है, तो वो खिड़की से देखती हैं वहाँ पे काफ़ी रिबन्स लेग्स, ठीक है, और ये फेस्टोन्स और आर्टिफिशियल फ्लावर यानी कृत्रिम फूल वहाँ पे रखे थे। ओ मम्मा व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, यानी कितना सुंदर रोज है, व्हाट यू बाई सम ऑफ देम, क्या आप मेरे लिए कुछ खरीदेंगे, ठीक है, नो माई डियर, बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद व्हाई, क्यों, बिकॉज आई डोंट वांट देम माई डियर, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखिए, आपको भी अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है, जो हमारा पिछले 10th क्लास है उसी की तरह, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।